फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में बॉडी कैसे बनाएं और कैसी डाइट लें। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स भी बताएंगे जिन्हें आपको सर्दियों के मौसम में फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में वर्कआउट या एक्सरसाइज करते वक्त हमें कम पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना भी जल्दी कम नहीं होता और हम जल्दी थकते भी नहीं हैं। कम पसीना आने की वजह से कम कैलोरीज भी बर्न होती है, जिससे दोगुनी तेजी से मसल मास गेन होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों के मौसम में वर्कआउट करते समय कम पसीना आता है, तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो हाई कैलोरीज और फैट वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि सर्दियों में कम पसीना आने की वजह से कैलोरीज कम बर्न होती है और अगर आप हाई कैलोरीज वाली फूड्स खाएंगे तो आपके फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, फैट लॉस के लिए कैलोरीज डेफिसिट वाली डाइट ही फॉलो करें। फ्रेंड्स, फैट लॉस के लिए जिम में वर्कआउट करते समय सबसे पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद 30 मिनट कार्डियो जरूर करें, जिससे कि आपका फैट तेजी से बर्न होगा। और जो लोग अपना वेट या मसल मास बढ़ाना चाहते हैं वो लोग 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करें और डाइट में प्रोटीन के लिए चिकन ब्रेस्ट, फिश, एग्स, राजमा, पनीर, हेल्दी फैट के लिए नट्स, आलमंड्स, हनी और हेल्दी कार्ब्स के लिए ओट्स और फ्रूट्स ऐड करें। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में रातें लंबी होती है, जिसकी वजह से बॉडी को रिकवर होने के लिए ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी तेजी से ग्रो करती है। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में अक्सर बहुत लोग पानी कम पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कम पानी पीने की वजह से आपके बॉडी और मसल का साइज कम होने लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं जैसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन या कोई भी और कम पानी पीते हैं तो ये सप्लीमेंट आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिए, जिससे कि आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के नए नए टिप्स मिलते रहें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।